नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इन दिनों लोग मंदिर में कोई भी ड्रेस पहनकर चले जाते हैं, चाहे पुरुष हो या महिला। सभी को चाहिए कि सभ्य ड्रेस में ही मंदिर में प्रवेश करें, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। उनकी आदत है कि सुधर नहीं रही। कई जगह तो भक्तों से लगातार अपील की जा रही है कि आप मंदिरों में सभ्य कपड़े ही पहनकर आए, नहीं मानने पर प्रवेश पर रोक भी लगा दी गई है। वहीं अब उत्तर प्रदेश के मंदिरों में भी भक्तों से वेस्टर्न कपड़े पहनकर नहीं आने की अपील लगातार की जा रही है। इसको लेकर अब मंदिर के चारों तरफ बैनर और पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में मर्यादित कपड़ों को लेकर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक औघड़नाथ मंदिर में भी मर्यादित कपड़ों में श्रद्धालुओं से आने का निवेदन किया गया है। इसके लिए बकायदा मंदिर के चारों तरफ बैनर पोस्टर लगाते हुए उन सभी कपड़ों का भी जिक्र किया गया है। वहीं मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष वर्तमान में कार्यकारिणी के पदाधिकारी डॉक्टर एम के बंसल ने कहा है कि सभी भक्तों से विनम्र अपील की गई है, वह सभी मर्यादित कपड़ों में ही प्रवेश करें। उन्होंने बताया कि फटी जींस, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट सहित अन्य प्रकार के उन अमर्यादित कपड़ों पर रोक लगा दी गई है जो धार्मिक स्थान के हिसाब से सही नहीं है। हालांकि वह कहते हैं कि यह कोई सख्ती नहीं है, सिर्फ विनम्र निवेदन है। डॉक्टर बंसल के मुताबिक उम्मीद है कि श्रद्धालु मंदिर प्रशासन के इस आग्रह को स्वीकार करते हुए उनका सहयोग भी करेंगे। उन्होंने कहा कि माता पिता भी अपने बच्चों को इस संबंध में समझाएं कि मंदिर में किन कपड़ों में प्रवेश किया जाता है और किन कपड़ों में जाकर पूजा पाठ की जाती है। गौरतलब है कि मंदिर प्रशासन द्वारा जिन कपड़ों पर प्रतिबंध लगाया गया है वे महिला और पुरुष दोनों के लिए, सिर्फ महिला या पुरुष के लिए नहीं है बल्कि दोनों के लिए ही है। वहीं आपको ये भी बता दें कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का औघड़नाथ मंदिर विशेष महत्व रखता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का उद्घोष भी इसी मंदिर से हुआ था। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित विभिन्न वरिष्ठ मंत्री भी बाबा औघड़दानी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं। वहीं सावन के दौरान इस मंदिर में विशेष रूप से आस्था का सैलाब देखने को मिलता है। मेरठ ही नहीं बल्कि देश भर के विभिन्न राज्यों में रहने वाले लोग भी बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही मंदिर में इस तरह की अपील की जा रही, बल्कि मंदिर कहीं का भी हो, भक्तों को चाहिए कि वो सभ्य कपड़ों में ही प्रवेश करें। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक औघड़नाथ मंदिर में बैनर और पोस्टर लगा दिए गए हैं और लोगों से वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहनकर आने की अपील की जा रही है। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।